तो भाई साउंड बार तो हमने बहुत सारे रिव्यू कर लिए, आज अपने पास एक खास स्पीकर है। भाई साहब बहुत भारी स्पीकर है। अरे हम तो थक गए भाई। भाई मुझे लग रहा है गेयर ना दूं मैं इसको बस। भाई ये इतना बड़ा स्पीकर है, मुझे पता मैं इसे कैसे लाऊं। ये देखो यहाँ करके भी लेट गया, ये जमीन पे खड़ा नहीं हो जा रहा इससे। उठो। तो ये भाई अपना जबरोनिक्स का ट्रोली डीजे स्पीकर और इसका नाम है जाइनोक्स प्लस। एकदम डीजे बना देंगे आज कमरे को अपने। पहले खोल लेते हैं। ओए ओए हो गया सीधा। ओ भाई देख रहे हो, इसको उठाने के लिए पहलवान चाहिए। भाई साहब पहलवानी करनी पड़ेगी तुम्हें, नहीं तो उठा नहीं सकते इसे। उठा दे। ओ भाई भाई पूरा खाली हो गया, गुफा सी बन गई एकदम। फेंक भी नहीं सकता मैं, इतने बड़े डब्बा है, अगर इसे फेंका ना तो कुछ ना कुछ नुकसान करके जाएगा। भाई ये है अपना स्पीकर और काफी बड़ा स्पीकर है भाई। और ये कुछ सामग्री मिली है इसके साथ हमें बहुत सारी। ओ भाई साहब बहुत भारी है। मैं तो थक गया। माइक कृपया इसको अकेले अनबॉक्स ना करे, मैं पहले वार्निंग दे रहा हूँ। दिख रहा है पूरा ही नहीं आ रहा भाई। भाई देखो क्या है, पूरा कैमरा कवर कर रखा है इसने, कितना बड़ा स्पीकर होगा सोचो। भाई भाई कहाँ जा रहा है, रुक जाए एक जगह। तो ये सारा सामान आता है इसके अंदर। दो तो भाई हमारे पास बड़े बड़े वायरलेस माइक है एंड क्वालिटी भाई जबरदस्त लग रही है इनकी, कुछ भी कहो। ऊपर से ये जो आयरन मैश लगी हुई है ये भी काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की लग रही है, इनपे प्रीमियम माइक वाली फीलिंग आ रही है मतलब। एंड ये इसका बटन है इसको ऑन करने का, अंदर एक डिस्प्ले भी लगी हुई है जो इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देती है सही सी। बाकी इसको खोलेंगे तो यहाँ पर मिलते हैं हमें इसको ऑन करने का सिस्टम। दो डबल ए बैटरी लगा करके इसे ऑन कर सकते हैं। मतलब अगर तुम्हें ऐसे सिंगर विंगर बनना हो तो घर में किसी और को पकड़ाओ और एक खुद पकड़ो और भाई शुरू हो जाओ। तेरा 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 सुरूर मजे ले सकते हो बढ़िया वाले। और भी बहुत चीजें है करने को यार घर में, ऐसे छोटे मोटे फंक्शन वगैरह कर देना। और रही ये बहुत सारी सामग्री, यूजर मैनुअल के लिए क्यूआर कोड, एक पावर केबल, एक ऑक्स केबल लाल सफेद वाली। वाह ये बढ़िया चीज लगी भाई। ये क्रोकोडाइल के दांत देख रहे हो, इस बड़े महाराज के अंदर ना एक्सटर्नल बैटरी का सपोर्ट दे रखा है। तो जो ऐसे घर पे डीसी वाली बैटरीज होती है ना उनके थ्रू इसको पावर देने के लिए ये एक केबल दे रखी है। भाई जबरोनिक्स अलग लेवल पे चल रहा है मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये दुनिया से बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं, कहां से लगाते हैं इतना दिमाग। एंड आखिरी में हमारे पास अपना रिमोट। तो कुछ ऐसा भाई अपना बड़ा सा स्पीकर, इतना बड़ा है कि भाई इसके चक्कर में मेरे को ऐसे अपना पूरा अरेंजमेंट चेंज करना पड़ेगा। अलग ही सही है यार ये। भाई मैं पहली बार कर रहा हूँ ऐसा स्पीकर, तो भाई बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है क्या ही रिव्यू कर दिया। तो सामने की तरफ यार देख सकते हो इतना बड़ा गोला ड्राइवर है भाई, ये पूरा का पूरा बेस ड्राइवर है भाई। इतना बड़ा ड्राइवर मैंने आज तक नहीं देखा। बीच में जबरोनिक्स की ब्रांडिंग और ये पूरा भाई आयरन मैश है, क्वालिटी अच्छी है। इसके ऊपर भी आयरन मैश हमारी लगी हुई है। मेरे को लगा कि इन दोनों के अंदर दो ट्वीटर्स फिट है लेकिन भाई ऐसा नहीं है। अभी मैंने चेक करा तो पता चला ये दोनों खाली है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं है भाई। मेन ट्वीटर अपना ये सेंटर में लगा हुआ है, इसके थ्रू ही आती है जो सारी वोकल्स वगैरह और ट्रेबल वगैरह की आवाज है। मतलब ये सिर्फ डिजाइन है भाई, कितना हैरान करने वाली चीज है। एंड ये छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई है भाई इसके ऊपर, और इस पूरे वूफर के अंदर भी भाई आरजीबी लाइट है भाई। आरजीबी लाइटें बहुत सारी है इसके अंदर, मैं अभी आगे दिखाऊंगा। और नीचे की तरफ ये जो दो छेद है इनके अंदर भी दो लाइट्स लगी हुई है भाई हमारी। बाकी फ्रंट वाला जो पूरा पार्ट है ना अपना, ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड में आता है लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ी लग रही है भाई। एकदम हार्ड प्लास्टिक यूज कर रखा है, सॉलिड स्पीकर है, वजन इतना ज्यादा है इसका, माल तो लगा ही होगा ना, 18 केजी का वेट है भाई इसका। बाकी चार पहिए इसके नीचे में मिलते हैं और इनको हम यहाँ से लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। अगर मान लो मैं अनलॉक कर दूंगा तो भाई ये ऐसे खुद से चलता बनेगा, टेबल छोड़ के भाग जाएगा और फिर नुकसान हो जाएगा हमारा। तो ऐसे लॉक कर सकते हो ताकि अपनी जगह पर टिका रहे। बाकी दो छेद यहाँ पर भी हमारे पास मिलते हैं, यहाँ से निकलेगी यार जो तुम धुड़ुम धुड़ुम मचाओगे उसकी हवा भी, तो छेद जरूरी है यार जिंदगी में। बाकी व्हील्स की क्वालिटी काफी ज्यादा तगड़ी है भाई, मतलब आराम से इसके वेट को झेल लेते हैं। और अगर तुम इसे लेके भी जाओगे कहीं पर भी तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। मल्टी डायरेक्शनल है जैसे ट्रोली बैग के होते हैं, इसका नाम भी तो ट्रोली स्पीकर है। बाकी राइट साइड से पूरा प्लेन है, बस यहाँ पर हमारे पास इसको उठाने के लिए एक जगह दे रखी है ताकि ऐसे लिफ्ट कर सके भाई। एंड पीछे भी बिल्कुल प्लेन प्लेन हिसाब किताब है, बस यहाँ ऊपर हमें हैंडल मिलता है। और राइट साइड पे है भाई इसका मेन मसाला, पूरा कंट्रोल रूम है भाई राइट साइड पे, एक हैंडल की जगह में ऊपर भी मिलती है यहाँ पे। एंड बाकी पूरा वूफर भाई अपने वुडन बिल्ड के साथ आता है, तभी तो बेस आएगी ना यार, लकड़ी में तो बेस आती है बढ़िया। ओवरऑल क्वालिटी भाई देख के भी पता चल रहा होगा तो मैं काफी टॉप नॉच और प्रीमियम बना रखी है इन्होंने, कहीं पर भी मुझे बिल्ड क्वालिटी इश्यू तो नहीं लगा। बाकी टॉप से कुछ ऐसा ही है। और यहाँ है अपना ट्रोली वाला हैंडल, बिल्कुल जैसे ट्रोली बैग का हैंडल होता है बिल्कुल वैसा है। ये बटन दबाओ
वापस नीचे, और ये भी मेटल का है तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है भाई। बाकी ये स्पीकर अपना काफी ज्यादा पोर्टेबल है क्योंकि इसके नीचे जो पहिए लगे हैं उसके थ्रू तुम इसको ट्रॉली बैग की तरह कहीं पर भी खींच करके ले जा सकते हो। एंड सबसे बढ़िया चीज की इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी लगी हुई है जो चार्ज हो जाती है और करीब करीब 8-10 घंटे का बैकअप तुम्हें दे देगी। बट वो बात अलग है कि इसको चार्ज होने में 6-7 घंटे लग जाते हैं, ऐसा सबरोनिक्स क्लेम कर रहा है। पर भाई इतने बड़े स्पीकर को बैटरी पर रन करना ये भी अपने आप में एक बड़ा टास्क है जो इसमें हो जाता है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। मतलब लेकर के घूमते घूमते गाने बजाओ भाई, एकदम ऐसे माहौल बना दो हर जगह का। तो ये है भाई अपना मेन कंट्रोल पैनल, ऊपर लगी अपनी LED डिस्प्ले एंड यहाँ पर इसके सारे बटन्स वगैरह दे रखे हैं, मोड चेंज करने का, प्ले पॉज आगे पीछे, एंड यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह प्ले करने का, LED मोड्स को चेंज करने का जो अपनी RGB लाइट है उनको। बाकी यहाँ पर चार छेद दिख रहे हैं, दो अपने ऑडियो आउटपुट के या दो ऑडियो इनपुट के, मतलब ऑक्स इन और ऑक्स आउट दोनों का सपोर्ट है इसमें। और ये अपना वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के लिए देख सकते हो, जैसे जैसे मैं वॉल्यूम कम कर रहा हूँ डिस्प्ले में हो भी रही है। और बाकी अपना बेस और ट्रेवल को भी एडजस्ट करने का बटन दे रखा है। ये रहा अपना USB पोर्ट और इसके बगल में हमारा microSD कार्ड का स्लॉट दे रखा है। USB और microSD कार्ड मैक्सिमम 64GB का इसके अंदर सपोर्ट है। एंड यहाँ पर हमारा mic 1, mic 2 और यहाँ पर guitar 1 और guitar 2, मतलब दो गिटार कनेक्ट हो जाएंगे इसके साथ और दो एक्सटर्नल वायर्ड माइक्रोफोन भी कनेक्ट कर सकते हो। और ये उनकी इंडिविजुअल वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के लिए बटन दे रखे हैं, इवन माइक की बेस और ट्रेवल को भी एडजस्ट कर सकते हैं भाई, ये बहुत ज्यादा तगड़ी चीज है। एंड एको को भी एडजस्ट कर सकते हैं, इवन डीले को भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो माइक्रोफोन के अंदर हमें चीजें चाहिए होती है वो सारी दे रखी है उन्होंने भाई। एंड ये इसका ऑन ऑफ करने का बटन, और ये है RGB लाइटों को ऑन ऑफ करने का बटन, और ये रहा अपना पावर इनपुट का पोर्ट। बाकी ये है बैटरी लो LED, मतलब अगर बैटरी लो हुई तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगी। बाकी अपने LED डिस्प्ले पर यहाँ पर तीन लेवल देख सकते हो, ये अपनी बैटरी को शो कर रहा है, तीन मतलब यानी कि फुल बैटरी अभी इसकी। और ये है अपना जो एक्सटर्नल DC बैटरी है उसको कनेक्ट करने के लिए जो क्लिप्स मिली है वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगी, इसके अंदर लिखा भी हुआ है। कुछ ऐसा इसका रिमोट है, यहाँ पर हमें म्यूट एंड म्यूट का बटन मिलता है ये मोड चेंज करने का। बाकी यहाँ पर नंबर दे रखे हैं ताकि FM के चैनल चेंज कर सके हम। और यहाँ पर RGB लाइटों को चेंज करने के लिए ये इक्वलाइजर का बटन, ये वॉल्यूम प्लस माइनस कम ज्यादा आगे पीछे, TWS का बटन दे रखा है, एक डिलीट का बटन, एंड ये शफल का बटन है, एंड ये फोल्डर्स में स्विच करने का। तो अब आ रही होगी भाई साहब तुम्हें पार्टी वाली वाइब, क्योंकि ये RGB लाइट अपनी चालू हो चुकी है और अलग अलग मोड्स हैं इसके अंदर, बटन मैंने दिखा दिया जिसके थ्रू एडजस्ट हो जाती है। बाकी नीचे वाली लाइटें भी बिल्कुल एकदम डिस्को वाला माहौल बना देती है, अंधेरे में अगर तुम इसे यूज करोगे तो काफी मजा आ सकता है भाई तुम्हें, पार्टी वाली वाइब देगा यार ये। बाकी वायरलेसली भी ब्लूटूथ के थ्रू तुम इसे कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट है इसमें। बाकी ड्राइवर इसका 30.48 सेंटीमीटर का जो बेस वाला ड्राइवर है, एंड जो अपने ट्वीटर्स हैं उनका साइज है 2.54 सेंटीमीटर। एंड टोटल आउटपुट अपना ये जो सिस्टम है ये 160 वोल्ट के RMS आउटपुट के साथ आता है। RMS है ये ध्यान रखना, पीक आउटपुट नहीं है। RMS का मतलब होता है एवरेज, मतलब 160 वोल्ट तो ये निकालेगा ही निकालेगा, पीक हो सकता है 160 से भी ज्यादा निकाल दे, तो RMS होना बढ़िया रहता है, मतलब खतरनाक साउंड ये देगा ऐसा मुझे एक्सपेक्ट हो रहा है सुन के। अब इसे फटाफट से कनेक्ट करके बस गाने बजाते हैं भाई, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऐसे पार्टी वार्टी करने के लिए। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। भाई आवाज इसकी बहुत ही ज्यादा लाउड हो जाती है। पहली चीज तो ये ब्लूटूथ पर सिंक नहीं होती आवाज, अगर मान लो इस पे तुम फुल कर रहे हो तो तुम्हें अपने स्मार्टफोन या अलग दूसरे डिवाइस में अलग से फुल करनी पड़ेगी, एक साथ दोनों पैरेलल ही नहीं चलती। दूसरी बात ये कि फुल करने पर ये अंधी लाउड हो जाती है भाई, मतलब सुन ही नहीं पाओगे तुम, अजीब सी हो जाती है। तो अभी जो मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन लगे मैं वो बता रहा हूँ, बाकी अभी हम इसको ढंग से टेस्ट करेंगे और एक बार फुल टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी, उसके बाद तुम्हें इसका साउंड सुनाएंगे और फिर बताएंगे कैसा लगा भाई हमें। तो इसके साथ जो हमारे पास माइक आया ये UHF वाला माइक है, मतलब वायरलेसली इसके साथ ऑलरेडी पेयर्ड है, तो जैसे ही ऑन करोगे अपने आप अपना कनेक्ट हो जाता है, तुम्हें कुछ खुद से एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। एंड जस्ट एक बटन प्रेस करना है और माइक चालू, और फिर उसके बाद बोलना चालू, आ रही आवाज। एंड माइक की क्वालिटी अच्छी है, बाकी तुम बताओ कैसी है ये आवाज जरा हमें बता दो गाइस। हेलो हेलो ची। एंड माइक के भी काफी सारे कंट्रोल साइड में दे रखे हैं, जैसे कि माइक की वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो, लाइक गेन जैसा ही हो गया वो। उसके अलावा अपनी जो वॉइस है उसकी ट्रेबल, उसकी बेस, एंड इवन एको को भी एडजस्ट कर सकते हो, अगर मान लो तुम्हें जागरण वाली फीलिंग चाहिए। हेलो हेलो हाल हाँ जी हाँ जी, हाथ खड़े करके। तो काफी सारी चीजें हैं मतलब माइक में, तुम मजे मजे ले सकते हो। ऑल इन ऑल एक भाई फैमिली गैदरिंग का कोई एक छोटा मोटा फंक्शन वगैरह अरेंज करना हो तुम्हें, या फिर मतलब कोई सत्संग कीर्तन और मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी टाइप का फंक्शन या कोई पार्टी वार्टी करनी हो तुम्हें, और कई जगह पर ऐसे छतों पर भी लोग ऐसे माइक वाइक लगा के फुल हवाबाजी करते हैं एकदम ऐसे, हमारे यहाँ पर भाई पतंग वतंग उड़ाते हैं ना जब करते हैं लोग, तो उसमें भी काफी काम आ सकता है। एंड माइक जो है ना इसका वो गानों के साथ साथ भी चल जाता है, जैसे मैं दिखाता हूँ एक डेमो। हेलो हेलो हेलो
तो समझ रहे हो ना, मतलब ऐसे साउंड सिस्टम के साथ साथ एकदम तुम माइक का मजा उठा सकते हो। सही है यार। अब अगर मान लो मैं बेस बढ़ाता हूँ तो ये देखो हेलो जी होगी ना बारी, और अगर मैं ट्रेबल बढ़ाता हूँ तो हेलो हेलो शार्प हो जाती है थोड़ी आवाज। एंड दो माइक तो इसके साथ आई रखे हैं, दो और एक्स्ट्रा माइक कनेक्ट कर सकते हो, तो पूरा एकदम साउंड सिस्टम पे भी अगर तुमने माइक वाइक एडजस्ट करके एकदम फुल मजे लेने हैं तो वो भी कर पाओगे। अब एक बार इसकी साउंड सुना देता हूँ मैं तुम्हें, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक चला लो तो आइडिया लगा लो कैसी आवाज। एक और सुन लो, लगा कुछ आइडिया। देखो हमने तो इसको बिल्कुल फुल डिटेल में टेस्ट कर लिया, अलग अलग तरीके के गाने बजा के बेस टेस्ट वगैरह सब चीजें कर ली, तो अब मैं बताता हूँ कि मेरे को इसकी आवाज कैसी लगी। 160 वॉट्स का इसका आउटपुट है, उस हिसाब से मतलब ये होल्ड तो करता है उस नंबर को कि 160 वॉट का तुम्हें मजा तो देगा ये। अगर मान लो मेरा जैसे ये रूम 10x15 का है, इस रूम के एरिया में तुम पार्टी करते हो तो उस हिसाब से तो काफी लाउड है ये, मतलब फुल वॉल्यूम पर तुम सुन भी नहीं पाओगे। एंड इवन अगर एक अच्छे ठीक ठाक मीडियम साइज के हॉल के अंदर लगा करके भी तुम कोई फंक्शन वगैरह करते हो या पार्टी वार्टी कर सकते हो तो वो भी आराम से करवा देगा। बहुत ज्यादा बड़ा होल है या बहुत ही ज्यादा बड़ा किसी जगह पर तुम कुछ करने वाले हो तो फिर दिक्कत आ सकती है, उतना लाउड भी नहीं है भाई। और छत वत पर रख करके भी अगर बजाना चाहते हो तो उस हिसाब से भी ठीक है, अच्छी खासी आवाज तुम्हें दे देगा। बाकी इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम 30 तक जाती है, तो 30 तक अगर तुम फुल कर दोगे ना तो भाई डिस्टोर्शन हल्का हल्का आ जाता है, मतलब हल्की हल्की फटने लग जाएगी आवाज। तो मैं ये कहूंगा कि 25-26 तक रखोगे तो ठीक आएगी आवाज। एंड हां डेफिनेटली ब्लूटूथ मोड पर और ऑक्स मोड पर दोनों पे मैंने टेस्ट करा तो ब्लूटूथ पर कंपैरेटिवली इतनी खास आवाज नहीं आती जितनी ऑक्स के थ्रू आ जाती है। तो अगर मान लो तुम्हें ज्यादा बेटर ऑडियो की क्वालिटी चाहिए तो ऑक्स वाला मोड यूज करना, जैसे हमने यहां पर अपने लैपटॉप पर लगा करके इसे टेस्ट करके देखा है ऑक्स मोड पर, तो मतलब मेरे को फर्क लगा ऑक्स के अंदर, तो ऑक्स के थ्रू ज्यादा अच्छा आउटपुट मिल सकता है। बाकी इसके साथ थोड़े और एक्सटर्नल स्पीकर भी तुम लगा सकते हो क्योंकि ऑक्स आउटपुट का भी इसमें सपोर्ट है। बाकी ट्रेबल और बेस अच्छी है, तुम इसे मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हो। शार्पनेस और वोकल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफी क्लियर और बढ़िया आवाज आती है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी सुनते हो तो उसमें भी मजा आएगा। बेस के अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो बहुत ज्यादा अगर हाई एक्सपेक्टेशन तुम रख रहे हो ना तो उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो सकता है तुम्हारी मीट ना करे, क्योंकि देखो कुछ गानों में जो बिल्कुल बेस वाले गाने होते हैं ना उनमें तो बढ़िया बेस निकाल के देता है क्योंकि उनमें है ना एक्चुअल में बेस, और जिन गानों में बेस नहीं होती है इतनी ज्यादा तो उन गानों में थोड़ा सा ये फीका पड़ जाता है। मतलब ऑल इन ऑल बताऊं तो अगर तुम डीप बेस चाहते हो ना कि बिल्कुल अगर फ्लोर पे रखा है तो भाई बिल्कुल एकदम डीप तरीके से एकदम बेस की वेव चले, एकदम जहां पर तुम रख रहे हो तो गूंजे, मतलब साउंड टाइप की बेस अगर तुम चाह रहे हो ना, वैसी बेस नहीं है इसकी, इसकी ना थंप टाइप की बेस है, मतलब ऐसे पंच टाइप का फील देती है। बट डीप बेस जो होती है ना, मतलब समझ रहे होगे मेरे कहने का, वैसी नहीं है कि बिल्कुल एकदम तुम्हारी खिड़कियां विड़कियां हिला दे और वो सब चीजें, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो बेस बिल्कुल फ्लोर से एकदम हर जगह पहुंच जाती है, वैसे टाइप की नहीं है। अब मैं एक बार तुम्हें एक मूवी का भी सैंपल सुना देता हूं, इनकेस अगर तुम इसी स्पीकर से मूवी वूवी भी देखना चाहो तो वोकल्स का भी आइडिया लग जाएगा यार। Come on, man. You can get that buffed out. No, you can get that buffed out. हिंदी वाला चलाता हूँ। अब देखो कैप्टन, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ा। मैंने अपना टेटुआ लगा दिया तुम्हारे चक्कर में, कब चुकाओगे मेरे फरसान का कर्ज? सर उसे एहसान कहते हैं। अरे कर्ज तो है ना। मैं बस भाई साहब मूवी के हिसाब से तो लेजेंडरी है इसकी आवाज, वोकल्स बहुत ही क्लियर है, मतलब डायलॉग्स की आवाज सुन के तुम्हें मजा आ जाएगा। वोकल्स मैंने तुम्हें बताया ना म्यूजिक में भी काफी मस्त आते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में तो बहुत अच्छी फील दे देता है ये भाई। एंड मूवी के हिसाब से बेस वगैरह भी बहुत ज्यादा तगड़ी निकल के आती है, एकदम ऐसे अगर एक्शन मूवी देख रहे हो तो बंदूकों की आवाज, धूम धड़ाका, एकदम हर चीज बढ़िया आ जाएगी। तो मूवी के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं लगी, बिल्कुल सेट स्पीकर है एकदम ये, लाउडनेस वाउडनेस के मामले में भी सब चीजों में। बस हां ऑब्वियसली तुम्हें एक पार्टी स्पीकर से सराउंड साउंड वाला होम थिएटर वाला एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा ना भाई। तो इसके लिए मेन डाउट यही होगा लोगों का कि भाई पार्टी के लिए कैसा है, बढ़िया है, मतलब पार्टी अगर तुम हाउस पार्टी एंजॉय करना चाहते हो अपने घर पर रखते हो कोई पार्टी वार्टी, या मतलब ऐसे एक लिमिटेड एक एरिया के अंदर तुम पार्टी करना चाहते हो, दो रूम जितना स्पेस भी है ना अगर, तो उसमें भी भाई पूरा माहौल बना सकता है ये। बस हाँ यूं कह सकते हैं कि पूरे रूम को एकदम बेस ही नहीं बना देगा ये, अपने आसपास के एरिया में बेस बढ़िया निकाल के देगा। उसके अलावा जिम के लिए अगर कोई इसे खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी डेफिनेटली भाई ले सकते हो, लाउडनेस अच्छी है, जिम जितने एरिया को भी आराम से
कवर कर सकता है। बाकी घर के छोटे मोटे फंक्शन के लिए तुम्हें माइक का अगर साथ चाहिए तो वो चीज काफी ज्यादा सीमलेसली काम करती है इसमें, तो इसका बहुत फायदा तुम्हें होने वाला है भाई। कोई केबल्स का झंझट नहीं, कोई तारों का झंझट नहीं, एकदम वायरलेस माइक है, लेके घूमो बढ़िया एकदम काम करो। ये सब सुविधाएं इसके अंदर मेरे को बढ़िया लगी भाई। तो कुछ 20,000 के आसपास का इसका प्राइस है। अब ये एक अच्छा खासा बजट है, इस बजट में ना काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मैं सीधा से यही कहूंगा, देखो अगर तुम्हें अपने पर्सनल रूम के लिए टीवी के लिए कोई एक साउंड सिस्टम चाहिए तो फिर ये मत लेना, क्योंकि ये उस चीज को टारगेट भी नहीं करता। देन फिर मैं रेकमेंड करूंगा कि भाई तुम किसी साउंड बार सिस्टम के लिए जाओ, वो ज्यादा बेटर रहते हैं, वो बिल्कुल एकदम तुम्हें एक्चुअल फील देंगे म्यूजिक की और हर चीज की। बट ये है कि वो वायर्ड है, उनमें पोर्टेबिलिटी नहीं मिलती और बैटरी का कोई सिस्टम नहीं है, जो चीजें इसमें मिल जाती है। तो ये उन्हीं यूजर को टारगेट करता है, तो अगर तुम्हारा वैसा कोई यूज है तो ही इसे लेना, लाइक माइक वाइक का भी तुम्हें थोड़ा साथ चाहिए तो। बाकी 160 वोल्ट का आउटपुट जो ये बैटरी पे निकाल के देता है वो काफी इंप्रेसिव है, एंड इसी वजह से ये एक्सपेंसिव साइड है। अगर मान लो ये वायर्ड होता ना तो डेफिनेटली ये सस्ता होता भाई, क्योंकि फिर करना ही क्या है, तार लगाया गाना बजाया। बैटरी पर ये इतना तकड़ा आउटपुट दे रहा है, पोर्टेबल है, पहिए लगे हुए हैं, लेके घूमो अटैची की तरह, तो वो सब चीजें होने की वजह से ही ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ऐसे स्पीकर एक्सपेंसिव ही आते हैं। बाकी साउंड के हिसाब से मैं कहूंगा कि अगर इसका प्राइस थोड़ा 15-16 हज़ार के आसपास होता तो ये ज्यादा वर्थ इट हो जाता, क्योंकि 20 से ऊपर जाते हैं ना तो हमें थोड़े और प्रीमियम ब्रांड्स भी मिल जाते हैं जिनकी ज्यादा अच्छी साउंड तुम्हें मिल जाएगी डेफिनेटली, तो उनकी तरफ भी तुम जा सकते हो। बाकी हमने साउंड बार के बहुत सारे रिव्यूज कर रखे हैं, तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना। एंड आई होप इस वीडियो में तुम्हें मजा आया होगा। कोई और साउंड बार या कोई और स्पीकर का रिव्यू चाहिए हो तो कमेंट करके देना रिकमेंडेशन, कोशिश करेंगे रिव्यू लाने की। और इसे खरीदने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना। बाकी आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।